हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपके लिए अपडेट है हाई कोर्ट ऑफ पटना की तरफ से, तो बने रहिए स्टूडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की तरफ से 129 स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसियों की नोटिफिकेशन निकाली गई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर इन सभी 129 स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की वैकेंसियों के लिए कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो इन सभी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा होंगे वो ऑनलाइन मोड से होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 8/3/2022 से शुरू हो चुके हैं और आप 29/3/2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इन सभी पदों पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि बताई गई है वो 31/3/2022 रखी गई है। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्टेड कैंडिडेट के पे स्केल के बारे में, तो 25,500 रूपए से लेकर 81,100 रूपए के बीच में कैंडिडेट का पे स्केल रहेगा। यानी जो भी कैंडिडेट इन सभी पोस्ट पे सिलेक्ट किए जाएंगे उन सबका जो बेसिक पे है वो 25,500 रूपए है और बाकी के सारे अलाउंसेस एज पर रूल कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ दोस्तों इन सभी 129 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कुल कितनी सीटें रखी गई हैं। और इस नोटिफिकेशन में वेमेन कैंडिडेट के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व पोस्ट जो है वो भी बताई गई है, जो की कुल 44 पोस्ट बनती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इन सभी स्टेनोग्राफर की 129 वैकेंसियों पे कैंडिडेट की एज लिमिट के बारे में, तो इन सभी पोस्ट पे कैंडिडेट की जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल रखी गई है और आपकी एज लिमिट को कंसीडर करने के लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2022 रखी गई है। यानी जो भी कैंडिडेट 1/1/2004 के बाद पैदा हुए हैं वो सभी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और बात करें मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में, तो जनरल और EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट है वो 37 साल रखी गई है। जनरल और EWS फीमेल कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल रखी गई है। BC और EBC मेल एंड फीमेल बोथ कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल रखी गई है। SC और ST मेल और फीमेल दोनों के लिए ही जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 42 साल रखी गई है। और OH कैटेगरी के कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 47 साल रखी गई है। और उन सभी कैंडिडेट को भी यहाँ पर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ जो क्रूशियल डेट बताई गई है आपकी क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए वो 1 जनवरी 2022 रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, सबसे पहले कैंडिडेट ने जो है वो 12वीं पास कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट के पास जो है वो सर्टिफिकेट हो इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट के पास जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कम से कम 6 महीने के कोर्स का। और कैंडिडेट की जो है वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट हो और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट हो। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो इस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे वो सभी कैंडिडेट यहाँ इन सभी 129 स्टेनोग्राफर की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो 2 स्टेजेस के एग्जाम के बाद होगा। पहली स्टेज पे कैंडिडेट का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, दूसरी स्टेज पे कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। पहली स्टेज के रिटन एग्जाम में कैंडिडेट से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस एग्जाम के बाद कैंडिडेट का जो है वो शॉर्ट हैंड का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी जो स्पीड मांगी गई है वो 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और 15 मिनट दिए जाएंगे कैंडिडेट को ट्रांसक्रिप्शन के लिए। उसके साथ ही कैंडिडेट को 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा रिवीजन ऑफ शॉर्ट हैंड इमीडिएटली आफ्टर डिक्टेशन। और उसके साथ ही कैंडिडेट का यहाँ पे इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। तो इस सारे प्रोसेस के बाद कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया है उसमें 40% नंबर रखे गए हैं ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट के लिए, 85% एक्यूरेसी रखी गई है इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए, 90% की एक्यूरेसी का टेस्ट रखा गया है इंग्लिश टाइपिंग में और 30% नंबर मिनिमम रखे गए हैं इंटरव्यू के लिए। और आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर और बेसिक कंप्यूटर साइंस का टेस्ट होगा, जिसकी सिलेबस की डिटेल इन्होंने बताई है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन है वो 30 नंबर का रखा गया है और बेसिक कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन है वो 20 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट है ये कुल 50 नंबर का रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 1,000 रूपए रखी गई है। एससी, एसटी और ओएच कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 500 रूपए रखी गई है। और यहाँ इस नोटिफिकेशन में इन्होंने एग्जाम सिटीज की डिटेल भी बताई है। इस नोटिफिकेशन में कुल 3 सिटीज बताई गई हैं जहाँ पे इन सभी पोस्ट के लिए एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें कि पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में कैंडिडेट का ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा।
यहाँ दोस्तों इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाली हुई है। कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त ये सारे ही डॉक्यूमेंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करने होंगे। और इसके अलावा इन्होंने इस नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइन बताई है, कैंडिडेट को इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने फोटोग्राफ की इमेज, अपने साइन और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है वो इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करने होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।